नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं। सूरत में फंसे मजदूरों को लेकर धनबाद पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बुधवार तड़के धनबाद पहुंची और इस ट्रेन में आपको बताएं कि 1233 मजदूर सवार थे और ये मजदूर धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के हैं। मजदूरों को लेकर सूरत से धनबाद पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आपको बताएं कि 22 बोगियों में करीब 1233 मजदूर पहुंचे हैं धनबाद। धनबाद स्टेशन पर मजदूरों का स्वागत किया गया। 4 मई की रात 11:15 पर ये ट्रेन चली थी और ये मजदूर वाली जो ट्रेन है वो अब धनबाद पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, दिलशाद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिलशाद, जानना चाहेंगे, देखिए ट्रेन तो पहुंच गई है, फिलहाल स्टेशन पर क्या किया जा रहा है अभी? अभी पैसेंजर आए हुए हैं सूरत से, सारा का स्टेशन पे मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और इसमें जितने मजदूर आए हुए हैं अधिकतर इसमें गिरिडीह जिले के हैं। तो गिरिडीह के उपायुक्त, SP, धनबाद के SSP, धनबाद के DC सारे स्टेशन में ही है और बाजाप्ता सारे मजदूरों के या फिर जो भी प्रवासी वगैरह आ रहे हैं, जो परिवार आ रहे हैं, सारा का मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और गिरिडीह के जो भी लोग हैं उन्हें बसों में बैठा कर गिरिडीह भेजा जा रहा है। जी दिलशाद, कुल कितने मजदूर इस ट्रेन में सवार थे? लगभग 1200 के मजदूरों की संख्या थी। और ये सभी के सभी गिरिडीह के रहने वाले हैं? जी नहीं, अधिकतर गिरिडीह के हैं, 1145 के लगभग गिरिडीह के हैं और बाकी अन्य और भी 7 जिले के हैं जिसमें धनबाद भी शामिल है। धनबाद के मात्र इसमें 2 ही यात्री हैं जो कि अभी तक बताया जा रहा है, जिनका की स्क्रीनिंग वगैरह गोल्फ ग्राउंड में होगा, लेकिन बाकी जो भी मजदूर या फिर प्रवासी जो भी आ रहे हैं उनके लिए स्टेशन परिसर में बसों की व्यवस्था की गई है। ट्रेन से उतरते के साथ उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, उन्हें गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं, खाने का पैकेट दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, बाजाप्ता सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बसों में। दिलशाद, देखिए अभी तो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी उनका थर्मो स्कैनर चल रहा है, क्या इसके बाद इनका कोई मेडिकल जांच भी होगा और कहां लेके जाया जाएगा सभी मजदूरों को अगर जांच होगा तो? मजदूर के अलावा इसमें परिवार भी काफी है, ठीक है, बच्चे भी काफी है, तो गिरिडीह के जितने भी है तो गिरिडीह को प्रशासन गिरिडीह यहाँ से बस के माध्यम से ले जा रहा और गिरिडीह में सारा उनका मेडिकल जांच वगैरह होगा। यहाँ पर स्टेशन परिसर में गिरिडीह या फिर अन्य जिलों के जो है धनबाद के अलावा उनका सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, बाकी बसों में बैठा कर उन्हें उनके गृह जिले भेज दिया जा रहा है और गृह जिले में ही उनके बाकी जो है मेडिकल चेकअप वगैरह जो होगा वो सारा इस प्रक्रिया वगैरह होगा और क्वारंटाइन वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वहाँ के जिला के अधिकारी वगैरह अपने आए हुए लोगों के साथ करेंगे। दिलशाद, देखिए 1200 से ज्यादा मजदूर हैं तो बस की सेवा अगर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि विभिन्न जिलों के भी मजदूर शामिल हैं, तो कितनी बस की व्यवस्था की गई है? पर्याप्त मात्रा में बस है, बसों की संख्या तभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बस है क्योंकि बस में एक बस में 15 से 20 यात्री को बैठाने की सुविधा है, क्योंकि सारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही सारे लोगों को लेके जाना है, तो बसों की पर्याप्त मात्रा में संख्या, बस पूरा फुलफिल है, संख्या भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए दिलशाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि सूरत से चली ट्रेन आज सुबह धनबाद पहुंच चुकी है, इसमें लगभग 1200 से ज्यादा मजदूर बताए जा रहे हैं और जो ताजा अपडेट आपको बताएं कि अभी फिलहाल स्टेशन पर जो है सभी मजदूरों का थर्मो स्कैनर चल रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, साथ ही साथ उनको खाने का पैकेट और पानी की बोतल दी जा रही है और इसके बाद जो है सभी को इनके गंतव्य स्थान तक के लिए पहुंचाया जाएगा बस के माध्यम से। तो लगातार जो है अब जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज आपको बताया कि सूरत से चली ट्रेन धनबाद पहुंच चुकी है और फिलहाल वहां पर सभी मजदूरों का थर्मो स्कैनर किया जा रहा है।